सी काऊ 2.5 से 4 मीटर तक लंबे इस जीव का वजन 1,500 किलो तक हो सकता है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली कोमोडो ड्रैगन इसका नाम है और ये आमतौर पर इंडोनेशिया में पाई जाती है। और भी बहुत से लुप्त प्राय जीव यहाँ इस गुंबद के नीचे रह रहे हैं। वैसे तो ये गुंबद फ्रांस के एक चिड़ियाघर का हिस्सा है, लेकिन यहाँ जानवरों को जंगल जैसा ही माहौल देने की कोशिश की गई है। पेरिस से 3 घंटे की ड्राइव पर है बुवाल जू। यहाँ पर इस गुंबद के भीतर मिनी जंगल को बनाने में 2 साल का समय लगा और इस पर 4 करोड़ यूरो की लागत आई। लेकिन स्क्विरल मंकी और मिसिसिपी एलिगेटर जैसे जीव यहाँ पर लगभग प्राकृतिक परिवेश में रह रहे हैं। बाहर मौसम चाहे जैसा हो, लेकिन गुंबद के भीतर उष्ण कटिबंधीय जलवायु ही रहती है। अफ्रीका में पाए जाने वाले पिग्मी दरियाई घोड़े को भी आप यहाँ देख सकते हैं। इस उष्णकटिबंधीय जंगल का उद्देश्य ये है कि यहाँ आने वाले लोगों को भूमध्य रेखा के आसपास की दुनिया दिखाई जाए। इसे लुप्त प्राय जीवों और उष्णकटिबंधीय जंगलों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद मिलेगी। हम यहाँ फ्रांस में बैठकर उष्णकटिबंधीय जंगलों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत सी पहल कर रहे हैं। हम प्रजातियों के जेनेटिक कंजर्वेशन सेंटर और रिसर्च सेंटर भी चलाते हैं। तो कुल मिलाकर हम जैव विविधता के संरक्षण, जानवरों और उनके सामने मौजूद खतरे के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं। हमारे सामने जानवरों और पौधों की प्रजातियों के 6ठे सबसे बड़े उन्मूलन का खतरा है, इसीलिए मैं मानता हूं कि चिड़ियाघरों को अहम भूमिका निभानी होगी। मछलियों और परिंदों से लेकर स्तनधारी और सरीसृपों तक यहाँ अब 200 प्रजातियाँ रहती हैं। हमारे पास सी काऊ है जो एक फ्रेंच प्रजाति है, क्योंकि ये फ्रेंच गुयाना में रहती है। लेकिन सी काऊ फ्रेंच एंटेलिस से विलुप्त हो गई हैं। गुआदेलोप में सी काऊ के नाम पर एक गांव है, लेकिन वहां सी काऊ नहीं बची हैं। वे कोशिश कर रहे हैं कि फिर सी काऊ वहां फल फूल सके। हम चाहते हैं कि कैरेबियन इलाके में फिर सी काऊ हों। हमारे पास पिग्मी दरियाई घोड़ा भी है जो एक लुप्त प्राय जीव है, जिसे मारा जाता है, जिसका शिकार होता है, खासकर कांगो में। सी काऊ यानी समुद्री गाय इस चिड़ियाघर के बड़े आकर्षणों में से एक है। उन्हें ये नाम खाने की अपनी आदतों के चलते मिला है। ये जीव हर दिन 6 में से 8 घंटे शैवालों या फिर आसपास मौजूद पेड़ों से पानी में गिरी पत्तियों को चरने में बिताता है। पिछले 5 करोड़ साल से ये जीव इस धरती पर मौजूद है। अपने नाम के विपरीत सी काऊ समुद्र में नहीं, बल्कि नदियों, दलदली इलाकों या फिर तट के पास छिछले पानी वाले इलाकों में रहती हैं। फिलहाल यहाँ उन्हें आलू खिलाए जा रहे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अब दुनिया में सिर्फ 10,000 सी काऊ बची हैं। यह बहुत ही मजेदार है कि इन्हें अंग्रेजी में सी काऊ कहा जाता है। यह एक शाकाहारी जीव है जो सिर्फ शैवाल और पत्तियां खाता है जो आसपास के पेड़ों से गिरी हों। व्यवहार के नजरिए से देखें तो यह खासा अनोखा जीव है। इसे आप हमेशा शांत पाएंगे। हम अब भी इनके बारे में सीख रहे हैं, खासकर उनके एक दूसरे से बात करने के बारे में। एक ऐसी सी काऊ भी है जिसने 4 महीने पहले एक बच्चे को जन्म दिया। 4 मादाएं ऐसी हैं जो जल्दी बच्चों को जन्म देंगी। यह ऐसा जानवर है जो चिड़ियाघर में भी अच्छी तरह प्रजनन कर सकता है। ये पूरा चिड़ियाघर 35 एकड़ में फैला है और यहाँ पर 10,000 से ज्यादा जीव जंतु रहते हैं। 40 साल पुराने इस चिड़ियाघर में शेरों का भी एक बाड़ा है। जंगल के राजा को करीब से निहारने का मौका यहाँ आने वाले लोग कैसे गंवा सकते हैं? और यहाँ तो सिर्फ राजा नहीं, बल्कि लगता है पूरा शाही परिवार मौजूद है। जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण आज बहुत सारी प्रजातियों पर अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में फ्रांस के इस चिड़ियाघर से सीख लेना बहुत जरूरी है।